हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस के अंदृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है इंग्लिश, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओ से 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उसके हिंदी अर्थ क्या है। तो इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है ओ से 50 वर्ड्स मीनिंग। तो पहला जो है वो है ओबे, ओ बी ई वाई, ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा होता है या आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर यानी आदेश होता है। नेक्स्ट है ओबीडियंट, ओ बी ई डी आई ई एन टी, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ऑर्डिनरी यानी साधारण होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ओ आर जी ए एन आई ओ आर जी ए एन आई जेड ए टी आई एन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ओ बी एस ई आर वी ए टी आई ओ एन, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का स्पेलिंग होता है ए डबल सी यू पी ए टी आई एन, ऑक्यूपेशन यानी पेशा होता है। नेक्स्ट है ओकेजन, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओकेजन का हिंदी अर्थ अवसर होता है। नेक्स्ट है ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी, ऑफिस यानी कार्यालय होता है। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना होता है, ओ एल डी ओल्ड यानी पुराना। नेक्स्ट है ओनियन, ओ एन आई ओ एन, ओनियन यानी प्याज। नेक्स्ट आवर, ओ यू आर आवर यानी हमारा। नेक्स्ट आउल है, ओ डब्ल्यू एल आउल यानी उल्लू। नेक्स्ट वंस, ओ एन सी वंस मतलब एक बार। नेक्स्ट ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स मतलब बैल होता है। नेक्स्ट ओ पी ई एन ओपन, ओपन यानी खोलना होता है। नेक्स्ट ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ऑरेंज यानी संतरा होता है। नेक्स्ट है आयल, ओ आई एल आयल यानी तेल होता है। नेक्स्ट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ यानी बंद करना होता है। नेक्स्ट है अदर, ओ टी एच ई आर अदर यानी दूसरा होता है। नेक्स्ट ओनली, ओ एन एल वाई ओनली यानी अकेला होता है। नेक्स्ट ऑन, ओ डब्ल्यू एन ऑन यानी अपना होता है। नेक्स्ट आउट, ओ यू टी आउट यानी बाहर होता है। नेक्स्ट है ओरिजिनल, ओ आर आई जी आई एन ए एल ओरिजिनल यानी असली होता है। नेक्स्ट है ओरल, ओ आर ए एल ओरल यानी मौखिक होता है। नेक्स्ट है ओशियन, ओ सी ई एन ओशियन यानी महासागर होता है। नेक्स्ट ऑपरेट, ओ पी ई आर ए टी ऑपरेट यानी चलाना होता है। नेक्स्ट ऑड, ओ डबल डी ऑड यानी विषम होता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स, ओ एफ कोर्स का होता है सी ओ यू आर ए सी ऑफ कोर्स यानी वास्तव में। नेक्स्ट ओथ, ओ ए टी एच ओथ यानी कसम होता है। नेक्स्ट ओपिनियन, ओ पी आई एन आई ओ एन ओपिनियन का हिंदी अर्थ होता है राय। नेक्स्ट ऑब्टेन, ओ बी टी ए आई एन ऑब्टेन यानी प्राप्त करना हासिल करना होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक, ओ आर ए ओ आर जी ए एन आई सी ऑर्गेनिक यानी जैविक होता है। नेक्स्ट ऑर्गेन, ओ आर जी एन ऑर्गेन यानी अंग होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट यानी कारक होता है। नेक्स्ट है आउटलाइन, ओ यू टी एल आई एन ई आउटलाइन यानी बाहर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ओ पी टी आई ओ एन ऑप्शन यानी विकल्प होता है। नेक्स्ट ऑप्शनल, ओ पी टी आई ओ एन ए एल ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होता है। नेक्स्ट है ऑफ्टेन, ओ एफ टी ई एन ऑफ्टेन यानी अक्सर होता है। ऑनर, ओ डब्ल्यू एन ई आर ऑनर यानी मालिक होता है। ओवरऑल, ओ वी ई आर ए डबल एल ओवरऑल यानी संपूर्ण होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ओकेजनल, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए एल, ओकेजनल यानी प्रासंगिक होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपाई, ओ डबल सी यू पी ए ओ डबल सी यू पी वाई, ऑक्यूपाई यानी कब्जा करना होता है। ऑन, ओ एन ऑन यानी चालू करना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन, ओ बी जे ई सी टी आई ओ एन, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति होता है। नेक्स्ट है आउटपुट, ओ यू टी पी यू टी, आउटपुट यानी मतलब जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल वगैरह भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑट, ओ यू जी एच टी, ऑट यानी चाहिए होता है। नेक्स्ट ओबसियस, ओ बी वी आई ओ यू एस, ओबसियस यानी जाहिर करना होता है। नेक्स्ट है ऑफेंस, ओ डबल एफ ई एन सी, ऑफेंस यानी अपराध होता है। नेक्स्ट है ऑफर, ओ डबल एफ ई आर, ऑफर यानी प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, ओ बी एल आई जी ए टी आई एन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है ओरेकल, ओ आर ए सी एल ई, ओरेकल यानी भविष्यवाणी होता है। नेक्स्ट है ओ आर, और यानी या होता है। नेक्स्ट हो सकता है ऑफ, ओ एफ ऑफ यानी का होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था ओ से वर्ड मीनिंग, जो हम लोग ओ से 50 वर्ड मीनिंग जाने, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास वन से लेकर क्लास एलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।